हेलो फ्रेंड्स, इनफाइनाइट ग्रीन्स में आपका स्वागत है। ये देखिए, ये सावनी का जो प्लांट होता है उसकी कटिंग्स हैं। तो इसको हम प्राइड ऑफ इंडिया भी कहते हैं और जरूल भी कहते हैं, और इसके बहुत सारे नामों से इसको जाना जाता है। और इसमें बहुत ही खूबसूरत फ्लावर्स आते हैं, जैसे देखिए थोड़े से तो इस कटिंग्स में भी दिख रहे हैं ये फ्लावर्स। तो ऐसे बंच में इसमें फ्लावर आते हैं, ये बहुत सारे कलर्स में आता है, पिंक कलर, रेड कलर, वाइट कलर, पर्पल कलर। और जब इसका जो फ्लावरिंग सीज़न है वो समर सीज़न है, ये समर सीज़न फ्लावरिंग प्लांट है। तो समर सीज़न में और रेनी सीज़न में पूरा टाइम इसमें इतनी फ्लावरिंग होती है कि कभी कभी तो इसमें इसकी लीव्स नहीं दिखती हैं, सिर्फ पूरा जो प्लांट है वो फ्लावर से भर जाता है। तो दिखने में बहुत ही खूबसूरत दिखता है। और ये पॉट में बहुत, वैसे तो इसका काफ़ी बड़ा प्लांट होता है, लेकिन आप पॉट में भी इसको ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि इसकी डॉफ वेराइटीज़ भी आती हैं जो कंटेनर्स में ग्रो करने के लिए सूटेबल रहती हैं। तो आज हम ये जो प्लांट है इसकी कटिंग्स को कैसे ग्रो करते हैं, इसको कटिंग के थ्रू कैसे ग्रो किया जाता है, इसके बारे में देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए, ये उसकी प्राइड ऑफ इंडिया या लेजिस्ट्रोमिया इंडिका इसका साइंटिफिक नेम है। ये लाइथ्रेसी फैमिली से बिलोंग करता है। ये इसकी कुछ कटिंग्स हैं, मैं ये रोड साइड से लेकर आई थी। तो चलिए इनको देखते हैं कि कैसे ग्रो करते हैं। तो हमें पेंसिल साइज़ की कटिंग लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, वैसे उससे पतली कटिंग अगर आप लेंगे तो भी इसकी ग्रो हो जाती। तो चलिए इस कटिंग को हम प्रिपेयर कर लेते हैं। तो इसके लोअर पोर्शन पे जितनी भी साइड ब्रांचेज हैं उनको भी हमें कट कर देना है, और जो लीव्स हैं उनको भी कट कर देना। देखिए ये बहुत सारी लीव्स हैं, इनको सबको कट कर देंगे। तो ये देखिए, इस तरीके से मैंने इसकी जो सारी साइड ब्रांचेज हैं और जो लीव्स हैं सबको रिमूव कर दिया है। ये देखिए, ये कटिंग बहुत लंबी है, तो हम इसमें से कई कटिंग प्रिपेयर करेंगे। जो लेजिस्ट्रोमिया की कटिंग है वो 5 to 6 इंचेस होगी तो सही रहता है, वो अच्छे से ग्रो करती है। तो हम इसमें से कई कटिंग प्रिपेयर कर लेंगे, तो 1, 2, 3 कटिंग्स इसमें से बन जाएंगी। और देखिए इसके अपर पोर्शन पे यहाँ पे बहुत सारे ये फ्लावर बर्ड्स आई हुई हैं। देखिए कितनी सारी, इसमें बहुत प्रफ्यूज फ्लावरिंग होती है जब इसका सीज़न रहता है उस समय। तो देखिए कितनी सारी बर्ड्स हैं, ये सारी एक साथ जब अनओपन होंगी तो ये कितना खूबसूरत दिखेगा। तो इसमें बहुत सुंदर फ्लावरिंग होती है, तो हमें इनको भी कट करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो ये प्लांट से एनर्जी लेंगी हमारी कटिंग से। तो इनको कट कर देते हैं इस तरीके से। तो देखिए मैं इसमें से 3 कटिंग प्रिपेयर कर लेती हूँ। एक ये इस तरह से हो गई, और एक ये इस तरीके से हो गई, और ये इसका ये जो लोअर पोर्शन है ये ऐसे कट करी थी तो थोड़ा रफ हो गया था, तो इसको हम दोबारा से ऐसे कट कर देते हैं। और एक चीज़ याद रखनी है कि जो नीचे जो कटिंग का एरिया है उसको हमें स्लांटिंग कट लगाना है, मतलब 45 डिग्री के एंगल पे कट लगाना है। जैसे देखिए इसमें ये थोड़ा सा स्लांटिंग कट है। इस तरीके से हमारी सारी कटिंग प्रिपेयर हो गई हैं। ये मैं आपको और दिखाती हूँ कि स्लांटिंग कट कैसे लगाना है। इस तरीके से जो आपका सिकेटर या जिस भी चीज़ से आप कटिंग कर रहे हैं उसको थोड़ा सा ऐसे करना है। ये देखिए, ये आपको साफ दिखेगा कि ये 45 डिग्री एंगल पर कट किया है हमने। तो ये कटिंग भी थोड़ी लंबी है, तो इसमें से भी हमारी 2 कटिंग इजीली बन जाएंगी। तो ये देखिए, ये सारी कटिंग प्रिपेयर हो गई हैं। अब हम देखेंगे कि इनको कैसे हमें लगाना है। तो ये देखिए, हमने इसकी सारी जो कटिंग्स थी वो प्रिपेयर कर ली है। तो आपको एक छोटा पॉट लेना है कटिंग्स को लगाने के लिए। जैसे मेरे पास ये पॉट है, मैंने ये लिया है। तो इसमें बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो ड्रेनेज होल हैं वो प्रॉपर होने चाहिए। देखिए इसमें बहुत सारे ड्रेनेज होल आपको दिखाई दे रहे होंगे, ये प्रॉपर होने चाहिए, जिससे कि हमारा पानी इसमें पॉट में ना रुके और हमारी जो कटिंग्स हैं वो गले नहीं, उनमें रॉटिंग नहीं हो। और इन होल्स को आपको ऐसे, या तो ऐसे आप ब्रोकन पीसेस ले सकते हैं क्ले पॉट्स के, ऐसे रख सकते हैं, इन पे इस तरीके से रखना है उल्टा करके, ऐसे ऐसे ऐसे। बट मैं इनको यूज़ कम करती हूँ, क्योंकि बहुत सारे ड्रेनेज होल होते हैं तो बहुत सारे हमें पीसेस चाहिए होते हैं। तो मैं इसके लिए जो ग्राउंडनट शेल्स होते हैं, ये देखिए ये ग्राउंडनट शेल्स हैं ये, तो मैं इनको नीचे डाल देती हूँ। इसमें एक लेयर काफ़ी रहती है इसकी, तो जिससे हमारा जो ड्रेनेज होल्स है वो भी कवर हो जाते हैं।
इस तरीके से। और मैं इसमें जो कटिंग्स हैं उनको ग्रो करने के लिए जो मीडिया मैंने लिया है वो मैंने वन पार्ट इसमें कोकोपिट ली है और वन पार्ट इसमें रिवर सैंड लिया है, बजरी जिसे कहते हैं वो लिया है। आप इसके लिए सिर्फ कोकोपिट में भी इसको ग्रो कर सकते हैं, सिर्फ रिवर सैंड में भी ग्रो कर सकते हैं। प्लस अगर आपके पास कोकोपिट अवेलेबल नहीं है तो आप रिवर सैंड प्लस आपके जो गार्डन सॉयल है उसको बराबर मात्रा में मिला के वन पार्ट आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। मतलब आपके पास जैसे जो चीज़ की अवेलेबिलिटी हो आप उस हिसाब से अपनी कटिंग्स के लिए मीडिया प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे वन पार्ट कोकोपिट प्लस वन पार्ट रिवर सैंड यूज़ किया है, मैं इसमें अपनी कटिंग्स को ग्रो करूँगी। तो ये इस तरीके से हमने फिल कर लिया इसमें मीडिया। और अब जो वाटरिंग जो मैं करूँगी इसकी वो ये फंजीसाइड वाला पानी है, जो साफ़ फंजीसाइड आता है उसका। आपके पास जो भी अवेलेबल हो, ट्राइकोडर्मा है तो आप ट्राइकोडर्मा यूज़ कर सकते हैं, कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसको पहले ही सैचुरेट कर लेंगे। इस तरीके से अब जो हमारी कटिंग्स है उनको भी हम एक बार जो फंजीसाइड वाला पानी है उसमें डिप करेंगे ऐसे। ये मैंने डिप कर ली है और इसके बाद हम इन पर रूटिंग हार्मोन अप्लाई करेंगे। ये देखिए ये रूटिंग हार्मोन है, आप किसी भी कंपनी का कोई भी रूटिंग हार्मोन ले सकते हैं, बहुत सारे आते हैं मार्केट में। और अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन अवेलेबल नहीं है तो आप नॉर्मल एलोवेरा जेल में भी इसको डिप करके और फिर अपनी कटिंग्स को ग्रो कर सकते हैं। और कभी भी रूटिंग हार्मोन एकदम, बहुत लोग ऐसे डब्बे में ही डाल देते हैं पूरा, तो ऐसे नहीं डालें, हमेशा उसमें से थोड़ा सा निकाल के आप यूज़ करें। तो इस तरीके से इन कटिंग्स पे हमें ये रूटिंग हार्मोन लगा लेना है इस तरीके से। ऐसे ही हम सारी कटिंग्स पे ये रूटिंग हार्मोन अपना लगा लेंगे। पहले उनको फंजीसाइड वाले पानी में हमने डिप किया है, फिर रूटिंग हार्मोन लगाया है। तो ये देखिए हमने अपनी कटिंग्स पर रूटिंग हार्मोन लगा दिया है। अब हम एक स्टिक की सहायता से या किसी टूल की सहायता से आप इसमें होल बना सकते हैं, ऐसे जो मीडिया आपने भरा है उसमें इस तरीके से होल बना के हमें अपनी कटिंग्स को उसमें इंसर्ट करना है इस तरीके से। और हाथ से थोड़ा सा ऐसे प्रेस कर देना है कटिंग्स को। ऐसे ही हम अपनी सारी कटिंग्स लगा लेंगे। तो ये देखिए हमने ये सारी अपनी कटिंग्स इसमें पॉट में लगा दी हैं। अब हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि इसको एक तो हमें डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है, इसको हमें शेडी एरिया में रखना है जब तक इसमें न्यू ग्रोथ स्टार्ट ना हो जाए। और इसकी जो ये कटिंग्स होती हैं इनको लगभग 25 टू 30 डेज़ लगते हैं रूटिंग होने में, तो उतने में ये बहुत अच्छे से ग्रो कर जाती है। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप जब भी किसी भी प्लांट की कटिंग लगाएं तो मल्टीपल कटिंग्स लगाएं। जैसे ये देखिए कितनी सारी कटिंग्स लगाई हैं, क्योंकि हमेशा जो रिज़ल्ट है वो 100% नहीं होता है। हमने इतनी सारी कटिंग लगाई हैं, हो सकता है इसमें से हमारी 2, 3, 4, 5 कुछ भी किसी भी नंबर में कटिंग ग्रो कर सकती हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपकी 100% आपको सक्सेस मिले। तो हमेशा मल्टीपल नंबर में कटिंग्स लगाएं। तो देखिए इस तरीके से आप लेजिस्ट्रोमिया की कटिंग बहुत ईजीली ग्रो कर सकते हैं, आप कहीं से भी कटिंग ला के को अपने गार्डन में लगा सकते हैं। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, मैंने जो ये कटिंग का मेथड आपको बताया सारा, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह के नए अपडेट्स के लिए। और अगर आपकी कोई क्वेरीज हो तो आप उनको कमेंट बॉक्स में डालें। थैंक यू, हैप्पी गार्डनिंग।